हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर अपनी बुकरम ली हुई है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी रेडीमेड डोरी भी ली हुई है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी सिमर के कपड़े में एक फ्रिल बनाई हुई है। अगर आपको ये बनानी नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके बाद बुकरम पे हम अपना नेक काटेंगे। तो हमने अपनी बुकरम की लंबाई 16 इंच और चौड़ाई 9 इंच ली हुई है और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। और अब इसके बाद दोस्तों हम अपने नेक की ब्रॉडनेस का और लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमारे नेक की ब्रॉडनेस है 7 इंच, तो 7 इंच का हाफ करेंगे होगा 3.5। और हमारे नेक की जो लंबाई है वो है 7 इंच। और इसके बाद दोस्तों अंदर की तरफ हम एक राउंड शेप देंगे। और शेप देने के बाद में दोस्तों अब हम नीचे की तरफ एक 7 इंच पर मार्क लगाएंगे। अब 7 इंच का हाफ करेंगे तो होगा 3.5। तो यहां पर 3.5 पर एक मार्क लगा देंगे इस तरीके से। और यहां पर अंदर की तरफ हम लगाएंगे 1.5 पर मार्क, मतलब कि 1.5 इंच पर, देखिए इस तरीके से। और यहां पर लगाएंगे हम 2 इंच पर निशान, मतलब कि 2 इंच पर। और इसके बाद यहां से हम इस तरीके से शेप देंगे, देखिए ये देखिए। अब इसके बाद दोस्तों हम बाहर की तरफ अपने हिसाब से 1/4 इंच या 1/2 इंच बुकरम रखेंगे। ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हम यहाँ पर 1/4 इंच के लगभग बुकरम रखेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे निशानों पर। तो देखिए दोस्तों, नेक काटने के बाद में हमारे नेक का जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आ गया है। और अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके बाद में ये जो पीस निकला है इसको आपको यहाँ से कट करके ये वाला पीस रख लेना है। ये देखिए, ये वाले पीस का हमारे लुक जो है वो कुछ इस तरीके का है। अब इसके बाद दोस्तों हम अपने नेक को और ये पैटर्न को कुर्ती के सेम कपड़े पर चिपका लेंगे। तो दोस्तों, सिलाई में कुछ भी काम करने से पहले हम आपको अपना एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं। दोस्तों मैसेज ये है, हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com। इस वेबसाइट को दोस्तों हमारे रूफ सर ने अभी अभी लॉन्च किया है और आपको इस वेबसाइट पर बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लाउज के डिज़ाइंस, कुर्ती के डिज़ाइंस और आप अपनी फेवरेट एक्टर्स के आउटफिट्स के बारे में भी जान सकते हैं, मतलब कि उन्होंने कौन सी ड्रेस कौन से फंक्शन पर पहनी हुई है। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट जरूर करें, जहां पर आपको हमारे सारे डिज़ाइंस एक साथ देखने को मिलेंगे और कुछ अलग तरह के खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। तो अब हम अपना सबसे पहले सिलाई वाला काम शुरू करते हैं। तो जिसके लिए देखिए दोस्तों, हमने अपना ये जो नेक कपड़े पर चिपकाया है इसमें थोड़ा कपड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है। और इसके बाद इस नेक को हम नॉर्मल तरीके से कुर्ती में बना लेंगे, जैसे बाकी सारे नेक बनते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मल तरीके से नेक बनाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको ये जो गोलाई देख रहे हैं इस गोलाई पे ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए बाकी 1-1 इंच पर 6 निशान लगा लेने हैं। इस तरीके से पहले 1 इंच छोड़ देना है, फिर ऐसे करके आपको 6 निशान लगा लेने हैं। ये देखिए, ये 6 निशान लग गए हैं। इसी तरह के 6 निशान हम इस साइड पर भी लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर अपनी डोरी में से 3-3 इंच के पीस इस तरीके से कट कर लिए हैं और अब हम इनको निशानों पर अपने अटैच करेंगे डोरी वाली पाइपिंग के साथ। तो इसके लिए दोस्तों हमने अपनी मशीन में सिंगल बूट लगाया हुआ है। अब हम सबसे पहले अपनी पाइपिंग को इस तरीके से नेक के नीचे रखेंगे। देखिए, और अब इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा ये जो पहला निशान है वो आ गया है। हम लेंगे अपनी डोरी और इसको इस तरीके से लूप बनाएंगे, देखिए। और लूप बनाने के बाद में 1 इंच बाहर की तरफ करते हुए हम इसके अंदर रख देंगे। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के और भी खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें, जिसका नाम है www.rooffashionpoint, जहां पर आपको हमारे सारे डिज़ाइन एक साथ देखने को मिलेंगे और कुछ अलग तरह के डिज़ाइन भी आपको देखने को मिलेंगे।
और अब इसके बाद दोस्तों जैसे हम अपनी ये वाली डोरियां लगा रहे हैं, इसी तरीके से हम अपने पूरे नेक में यहां तक डोरियां अटैच कर लेंगे और पाइपिंग को कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों डोरी और पाइपिंग लगाने के बाद में हम अपना ये वाला पैटर्न तैयार करेंगे जिसको हमने कपड़े पर चिपका लिया है और थोड़ा थोड़ा कपड़ा ऊपर की तरफ छोड़ दिया है। इसके बाद दोस्तों एक कपड़ा और लेंगे इस पैटर्न को तैयार करने के लिए। ऐसे हम अपने कपड़े के ऊपर पैटर्न को रखेंगे और रखने के बाद में यहाँ पर हम सिर्फ सिलाई लगाएंगे बस। एक्स्ट्रा मार्जिन को थोड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर देंगे और अब इसके बाद दोस्तों हम अपने पैटर्न को इस तरीके से पलट देंगे और पलटने के बाद में दोस्तों हमने जो अपना ये एक्स्ट्रा वाला कपड़ा छोड़ा हुआ है इस कपड़े के बराबर बराबर पूरी सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। कपड़ा काटने के बाद में दोस्तों हमने अपने पैटर्न की जितनी भी चौड़ाई रखी है उसको फिक्स करने के लिए पहले हम इस मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में चाक से निशान लगा देंगे इसकी पूरी गोलाई पर। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, लेनी है अपनी फ्रील। फ्रील को इस तरीके से, जो ये आपकी फ्रील है, ऊपर की तरफ करते हुए इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर देना है। और अब इस पैटर्न को हम अपने नेक में अटैच करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले हम अपने पैटर्न को इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद में हम अपने नेक को इसके ऊपर ऐसे करके रखेंगे, निशान को छुपाते हुए अटैच कर देंगे। दोस्तों अगर आपको इसी तरह के डिज़ाइन चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com, जहां पर आपको हमारे सारे डिज़ाइंस एक साथ देखने को मिलेंगे और कुछ अलग तरह के डिज़ाइंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों पैटर्न को अटैच करने के बाद में हमारे डिज़ाइन का जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आ गया है। और अब इस डिज़ाइन को और भी ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए हम अपनी फ्रील को लगाएंगे इसमें, अपने नेक में इस तरीके से। और यहाँ तक लगाने के बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको कुछ लगभग एक इंच लगभग छोड़ देना है और छोड़ने के बाद में आपको अपनी लेस को इस तरीके से यहाँ से घुमाना है। देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर ये कोना बना देना है और बनाने के बाद में आपको ये सिलाई यहाँ पर लगाते हुए जाना है बहुत ही फिनिशिंग में। और यहाँ से आपको अपनी दूरी रखनी है लगभग 1 से 1.25 इंच और यहाँ पर लाके आपको मिला देना है। अब आ गया है दोस्तों हमारे नेक का बीच सेंटर, यहाँ पर हम अपना एक कोना बनाएंगे। कोना बनाने के लिए आपको अपनी सिलाई को इस तरीके से यहाँ से हटाना होगा और हटाने के बाद में इस तरीके से आपको अपनी लेस को डबल फोल्ड करना होगा और सीधी सिलाई इस तरीके से लगा देनी। ये हमने सीधी सिलाई लगा दी है और इसके बाद हम अपनी लेस को खोलेंगे तो देखिए एक बहुत ही बेहतरीन हमारा कोना बनकर आ गया है। और अब इसके बाद दोस्तों हम फ्रील के बराबर बराबर एक सिलाई और लगा देंगे। और फिर इसके बाद दोस्तों यहां पर हम बहुत ही खूबसूरती के साथ डोरी डालकर डिजाइन बनाकर आपको दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहां पर हमने अपनी डोरी डालकर बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनाकर तैयार कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का ये डिजाइन हुआ कंप्लीट। आपको हमारा आज का ये डिजाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक जरूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com, जहां पर आपको हमारे सारे डिज़ाइंस एक साथ देखने को मिलेंगे और कुछ अलग तरह के बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन भी मिलेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।